अभी इस समय में हमारे यहाँ पर एक आपदा से हम लोग जूझ रहे हैं, और वो आपदा है हमारे जोशीमठ शहर, जो कि एक हमारे लिए पौराणिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, एक प्रमुख हमारा धार्मिक केंद्र है, भगवान बद्री विशाल जी का ये शीतकालीन निवास भी है, और सामरिक रूप से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। वहाँ पर लगभग 270 परिवारों को अभी हम लोगों ने विभिन्न राहत शिविरों में शिफ्ट किया है, और ये एक महीने पहले, ये मैं कहूँ कि कष्टकारी का समय जोशीमठ के लोगों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड वालों के लिए भी था, लेकिन भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, उसके बाद वहाँ पर स्थितियाँ अभी स्थिर हैं, और पुनर्वास की बात है, वहाँ पर राहत की बात है या मुआवजे की बात है, उस सब को लेकर जहाँ राज्य की सरकार काम कर रही है, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी विशेष रूप से लगातार वहाँ के बारे में उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार वो जानकारी ले रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग में शामिल हैं, लगातार वह भी चिंता कर रहे हैं, और हर संभव उन्होंने हमको अपनी सहायता का भी पूरा भरोसा दिया है। 8 संस्थान भारत सरकार के और राज्य सरकार के मिलकर वहाँ पर सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं, और नई अभी कोई घटना नहीं हुई है, नया कोई वहाँ पर भूधसाव नहीं हुआ है। जो 560 LPM पानी आ रहा था, वह घटकर काफ़ी कम हो गया है, वो 50 के आसपास हो गया है, और 50 से कम भी हो रहा है, धीरे धीरे लगता है बंद हो जाएगा। लेकिन इस दौरान कुछ समय में इस प्रकार की भी बात हुई कि तेज़ी से पूरे एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गया या बन गया कि जैसे कि पूरा जोशीमठ ही समाप्त हो गया है, पूरा उत्तराखंड ही समाप्त हो गया है, चारों तरफ ये हो गया कि यहाँ भी डूब गए हैं, वहाँ भी डूब गए हैं, मसूरी भी जाने वाला है, नैनीताल भी जाने वाला है, उत्तरकाशी भी जाने वाला है, कर्णप्रयाग भी जाने वाला है, गोपेश्वर भी जाने वाला है। मैं दिल्ली गया तो मुझे कुछ मित्रों ने मुझे पूछा कि अरे धामी जी, आप बताइए क्या बद्रीनाथ जाने के लिए यात्रा कैसे होगी? रमेश जी पूछने लगे मुझे, बोले रास्ता ही खत्म हो गया, वहाँ तो सुना है वहाँ सब कुछ डूब गया है। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, अभी 70% दुकानें वहाँ की खुली हुई हैं, 70% से ज़्यादा लोग सामान्य रूप से अपने काम कर रहे हैं। आप लोग ऐसा वातावरण मत बनाइए कि अभी हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, वहीं पर ओली में विंटर्स गेम्स होने वाले हैं, तो जिसके कारण से कि लोगों के मन में पूरे भारतवर्ष के अंदर उत्तराखंड सभी के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और पिछले साल की जो यात्रा हुई हमारी, उसमें 50 लाख लोगों ने उस यात्रा में उन्होंने यहाँ पर आकर दर्शन करे, और इस बार की यात्रा उससे भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार हम यात्रा और अच्छी हो। पिछले साल जो यात्रा में जो और कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। इस बार हम पहले से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा अनुमान है, जगह जगह जिस प्रकार से आज होटल के लोगों से बात की जा रही है, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों से क्वेरी की जा रही है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जितनी संख्या पिछली यात्रा में आई है, उससे कहीं संख्या इस बार और ज़्यादा आने वाली है।